हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ विनोपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जीएसटी के असर की, जो कि एग्रीकल्चर पे क्या कर देता है। जी हाँ, तो आज हम थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जीएसटी का इफेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे कैसे पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ और एक हिंट दूंगा कि अब जो है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। यानी कि एग्रीकल्चर, यदि कोई किसान खेती करता है, जी हाँ, यदि कोई किसान खेती करता है, तो जो उसके अंदर वो उर्वरक यानी कि खाद जो भी यूज करता है, या इसके अलावा जो वो ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, उन सभी के ऊपर इस बार जीएसटी के दायरे में 12% की दर से टैक्स स्लैब रेट रखा गया है। और इसके साथ साथ वो जो किसान उस खेतों के लिए जो कीटनाशक का प्रयोग करता है, अब उस कीटनाशकों पे भी जो जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स है वो सीधा सीधा 18% कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पे जो है किसान के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है खेती करना, यानी कि उसको महंगा पड़ेगा खेती। और उस खेती के महंगे पड़ने पर जो उससे जो प्रोडक्शन होगा उसका भी सीधा सीधा रेट पर फर्क सीधा उपभोक्ता के ऊपर भी पड़ने वाला है। यानी कि कुछ चीजें वो हमारे लिए भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जब किसान के ऊपर वो रेट ऑफ टैक्स का भार पड़ेगा तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका भार उपभोक्ता के ऊपर भी पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप विनोपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और हमारी वीडियो की जितनी भी जानकारी है या इससे पिछले आपने जो भी वीडियो देखे हैं उन सभी को बराबर आप अपने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड करते रहिएगा। और यहाँ पे मैंने जितना भी अभी तक आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया, तो सिर्फ मेरा मतलब यही है कि अब किसानों के लिए खेती करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।